हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ किचन में, कर रही हूँ दाल फ्राई। मिक्स दाल बनाई है आज लंच में। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, आज इनकी पीटीएम थी और हस्बैंड किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। श्री जाते ही लग गई पढ़ाई में, क्योंकि थोड़ी सी डांट पड़ी इसको पापा से और यहाँ पे लग रही है मैथ करने में। मैथ करने का इसको शौक है, मैथ्स का ही शौक है इसको सबसे ज़्यादा ना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बना रही हूँ मैं लंच। हस्बैंड के लिए बनाया है ब्राउन राइस, उधर बन रहा है वाइट राइस, और इधर है दाल। और सक्षम मिस्टर इधर रहे, पीटीएम होके आए थे। सक्षम, कैसे मार्क्स आए तुम्हारे? कुछ अच्छे हैं, कुछ गंदे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ गंदे हैं, है ना। तो मैं अपने दो तीन सब्जेक्ट लगाया, उसमें थोड़ा सीरियस हो जाओ, है ना। तो मस्ती घोरी में ज्यादा रहता है बॉल। भाई इसकी कटिंग जरूर करा देना कल, कितने खराब बॉल हो रहे सक्षम तेरे। श्रीजा क्या कर रही है? मैथ पढ़ रही है टीवी से। कोई कुछ समझ नहीं आता ना इसको, तो ये चला लेती है नेट पे। चलो खाना खाए, लंच बन गया। तो अभी ये पीटीएम से आए थे और इनको आज दोपहर से अपना काम है। आई थिंक दोपहर में ही जाएंगे अपने काम पे, क्योंकि मैं बच्चों के पीटीएम पे नहीं गई थी। बन गए राइस तो मैं सभी। मैंने बच्चों को खाना खिलाया है और बजे हैं 3। तो अभी मैं आधे घंटे का रेस्ट करूंगी, क्योंकि फिर मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। तो आधे घंटे के लिए लेटती हूँ इस टाइम पे मैं, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं ना ट्यूशन के, तो बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। सर में दर्द होने लगता है और कमर में दर्द स्पेशली। तो और मैं पता है बच्चों को कोशिश करती हूँ कि 4 बजे आते हैं मेरे ट्यूशन के बच्चे, 4 से लेके 5:30 या 6:45 तक पढ़ाऊँ, मतलब 1 घंटे से ज्यादा ही पढ़ाऊँ, 1.5-2 ऐसे पढ़ाऊँ। लेकिन जब उनके एग्जामिनेशन करीब आ रहे हैं तो मेरा रहता है कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना आराम से करके जाए उस काम को। और डेफिनेटली इस टाइम को हम बढ़ाएंगे एग्जामिनेशन टाइम में। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ उनको अच्छा समझ में आ रहा है, वो हैप्पी है मुझसे, मैं भी उनसे हैप्पी हूँ। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। आईज भी बेचारी दुख जाती है नहीं तो। सो फ्रेंड्स, अभी मेरा एक स्टूडेंट पढ़ के गया है, तो मेरे जो 2-3 स्टूडेंट आते हैं ना, तो आज एक को कहीं जाना था तो दूसरे टाइम पे आएगा, और बच्चों के एग्जाम आ गए ना तो बच्चों को फिर से बुलाया है, तो आज रेल बन जाएगी पूरी मेरी। लेकिन मैंने टाइम को उसी तरह से सेट कर लिया है, अभी टाइम हो चुका है, क्या टाइम हो रहा है अभी, 6:15 है। तो 15 मिनट के बाद एक बच्चा आएगा, मुझे उसका कुछ वर्क कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट कराना है, पढ़ाना है उसको। और एक को फिर से 7 बजे बुलाया, तो आज तो लगभग 4 बजे से मैं 7 बजे तक बिजी बिजी हूँ। तो बीच में मुझे डिनर की तैयारी करनी है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पाव भाजी, क्योंकि आज सैटरडे नाइट है, तो थोड़ा सा कुछ अच्छा बनाएंगे बच्चों के लिए, है ना। तो पाव भाजी के लिए सारी सब्जियां यहाँ पे मैंने बॉइल करने के लिए रखी है, और मैं सोची इतना वो बच्चा आ रहा है, इतना थोड़ा ना इसको मैं फ्राई तो नहीं हो पाएगी, इतना सब्जी वगैरह कट करके थोड़ी सी रेडी कर लेते हैं, तो टाइम काम थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। अभी थोड़ा सा ना जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ तो बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि एग्जाम आ गए बच्चों के, और जो भी टीचर है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे अच्छे से पढ़े। तो यहाँ पे मैं टमाटर प्याज लहसुन वगैरह सब कट करके रख देती हूँ। टेस्टी पाव भाजी। बोलो कैसी बनी है पाव भाजी? अच्छी है। तुम कैसी लग रही पाव भाजी? हाँ अच्छी। तो कटिंग करानी पड़ी बाल कैसे? आज है सैटरडे नाइट, तो मैं कर रही हूँ श्रीजा के बालों में ऑयलिंग, और श्रीजा के बाल भैया बड़े खराब से हो गए सर्दियों में, है ना। श्रीजा कैसा मुंह बना के बैठी है क्योंकि बच्चे सुबह सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं ना, वॉश कभी कभी ना 1 वीक में हो पाते हैं ना, है ना गौरव। संडे टू संडे हो पाते हैं ठंड के मारे, भैंस के बालों में हेयर ऑयलिंग कर। हाँ अच्छी बात है, और मारो और मारो। गोरी खुश हो रही है, क्या गंदा काम कर रहा होगा कुछ, तभी तो मार रहे हैं। मम्मी मेरी सॉक्स पहन रखी थी, देखो कितनी गंदी कर दी, वाइट पहन रखी थी वो भी। क्यों मार रहे हो आप इसको बताओ, क्यों मार पिटाई हो रही है रात में घर में? शर्म आ रही है, रात में बच गई घर में हमारे, मार पिटाई देखो पिटाई कर। अरे भाई सही करवाना, करो इसकी बाल जरूर सही करवा लेना, कटिंग गंजा कराना कल तेरे को। और क्या आप भी गंजे हो गए? आज तो ऐसा काम हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ। सक्षम दिखाई अपना मुंह, शादी भी बिना कटिंग के कराया है, तो सक्षम दिखाई अभी सही हो गए बाल। भाई इसके बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं, अभी वो खड़े हो जाते हैं। आपने भी कराई थी कटिंग? दवाई खा ली थी 9 बजे की? और सुबह सुबह एक पंगा हो गया मेरे ना मशीन पर, है
यहाँ पे ना पता नहीं पाइप का लीकेज हो रही है तो मेरा पानी नहीं ले पा रही मशीन, पानी पानी चल रहा है सब तो मेरे को ना यार बाथरूम से बाल्टी भर भर के इसमें डालनी पड़ रही है। ये बड़ी मुसीबत होगी, सारे कपड़े मैंने ऐसे धोए और एक बार को ना भी धोती लेकिन इसमें मैंने बच्चों की ना यूनिफॉर्म डाल दी तो अब तो धोनी पड़ेंगी। और सारा काम कर लो, बाल्टी भर के ऊपर डालना ना, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। नहीं यहाँ पे मुझे साइड में लगता है नहीं, वो तो बंद करके भाग गया। चल मैं बुलाता हूँ उसे प्लम्बर को, ठीक है? 8-10 बाल्टी लगी, पता वैसे मशीन में नहीं पता चलता, पाइप पाइप लगा दो भर के डालो तो पता चलता है। प्लम्बर को फोन कर पानी खोल कर ना यार, यहाँ से सब जगह पानी फैल रहा है। बन गई होली खेल बैठ उसके नीचे। और सक्षम कैसा लग रहा है अब सन्नी? अब सक्षम के ऊपर रंग सही लगेगा, बाल छोटे गंजू करा देंगे इसको होली पे। मैं सक्षम मेरा टकला रंग हो जाएगा। मामा मम्मी मुझे, मैं कटिंग करा के आया ना तो मुझे बिस्कुट चाहिए। रिश्वत चाहिए होती है इसे कटिंग कराने के, तो चिप्स का पैकेट चाहिए होता है। दुकान तो खुली नहीं होगी सुबह सुबह, टाइगर बिस्किट दे दू शाम को। चलो इसका तो कपड़ों धोने के लिए वैसे कोई यूज नहीं, तो टाइगर बिस्किट दे दू सक्षम को, टाइगर बन गया। हाथ आप दीदी को अभी हाथ कपड़े कैसे धुले है बस मैं ही जानती हूँ, पता ही है पिंपल निकल गया यहाँ पे पता नहीं कैसे। और अभी मैं इनको धूप में डाल के आती हूँ बाल्टी से, पता मशीन देखने में छोटी लगती है, जब इसमें बाल्टी भर के डालो ना तो दो बार मैं इनको रिंस करती हूँ और एक बार वॉश के लिए, तो 10 बाल्टी इसमें भर के मैंने डाली तब कहीं जाके मेरे कपड़े वॉश हुए। बच्चों की यूनिफॉर्म थी तो धोनी भी जरूरी थी, है ना, तो ऐसा रहा। और यार इस तरह के काम में किसी की हेल्प भी नहीं मांग सकते, हस्बैंड की भी नहीं मांग सकते, हस्बैंड को तो मैं वैसे भी इस तरह से भारी भरकम काम करने नहीं देती, अपने आप ही कर लेती हूँ। लेकिन पेट पे तो मेरे भी जोर पड़ता है, पेट में दर्द हो जाता है। थोड़ी आधी आधी बाल्टी करके मैंने डाली है लेकिन उससे भी पेट पे तो लोड आता ही है, उसी वजह से मेरे छोटे बहुत सारी चीज़ों में मेरे को बहुत परेशान होना पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर स्ट्रांग रहे ना तो आप वो चीजें बड़े आराम से कर पाते हो। क्योंकि कितने सारे काम ऐसे आप अपने घर पे याद करो कि आप अपने हस्बैंड को कहते होंगे ये वाले काम कर लो, लेकिन मुझे बड़े सोचने पड़ते हैं और मेरा खुद का भी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये भी था कि कपड़ों में अगर साबुन वगैरह लगी रह गई तो फिर वो सही नहीं रहती, तो अच्छे से मैंने पानी डाला। देखो बाहर कितनी अच्छी धूप आ गई है, मैंने सारे कपड़े सुखा दिए और इनमें भी जान आने लग गई। अब मौसम चेंज होने लग गया ना तो ऐसा लग रहा है इनमें जान सी आने लग गई। तो आपके प्लांट्स कैसे हो रहे हैं दोस्तों, आप कमेंट करके बताना अगर आपके प्लांट्स भी ऐसे हो गए हैं सर्दी में खराब से, उनको अच्छे से धूप में रख दो है ना, जिससे कि उनमें जान आ जाए। और मैंने दूध रखा है बॉयल होने के लिए गैस पे, तो पता है कई बार अगर मैं दूध आजकल क्या हो रहा है गैस पे बॉयल होने के लिए रख देती हूँ तो कई बार निकल भी जाता है, तो खड़ी होकर मैं यहीं पर इसको बॉयल कर लेती हूँ। और जैसे ही प्लांट्स हैं इनको हर एक चीज भरपूर मात्रा में चाहिए, पानी भी धूप भी है ना और मिट्टी भी खाद भी, तो ऐसे ही रिश्ते होते हैं। अगर आप इनकी केयर करते हो तो ये अच्छे से पनपते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो है ना, और अगर इनकी केयर नहीं करते इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। हर एक चीज अपनी केयर मांगती है हर एक चीज, और एक लेडी जो होती है ना तो वो ज्यादा कुछ नहीं मांगती, वो रेस्पेक्ट मांगती है अपने लिए, वो सब कुछ खुश होकर करती है परिवार के लिए, और उसको रेस्पेक्ट ना मिले ना तो वो बहुत हर्ट हो जाती है। और इस बार मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो गई हूँ, पता नहीं मेरे दिमाग से ये बातें कितने दिन बाद निकलेंगी है ना, जबकि मैंने मेरा ये वाला रूप शायद आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा आज तक मैंने कभी भी, लेकिन बस सब्र हो जाए, सब्र की हद होती है ना। तो बस मैं यहाँ पे दूध बॉइल कर रही थी और 2 मिनट पहले दूध बॉइल कर लेती हूँ फिर आपसे बोलती हूँ। और अभी मैं कपड़े तो धो चुकी हूँ लेकिन अभी धो के पछता रही हूँ क्योंकि मेरे पेट में भी हो रहा है पेन। अच्छा ऑपरेशन होने के बाद में, मतलब ऑपरेशन होने के बाद थोड़े टाइम बाद आपकी बॉडी शायद नॉर्मल हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद तक तो ना आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। देखो मेरे को जो उसका ये दो ऑपरेशन हुए थे मेरे, तो अभी पेट पे जैसे बाल्टी उठा लो या कोई वजन वाली चीज उठा लो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, तो अभी मेरे को पेट में ना बड़ी अजीब सी दुखन सी हो रही है और ऐसे कई बार हो जाती है। मैं सर्दी में जैसे जब ज्यादा काम कर लेती थी ना इस सर्दी में, तो मेरे को पेट में वो जो टांके थे बिल्कुल खुलते थे पता नहीं क्यों है ना, और जहां से किडनी रिमूवल हुआ है वो जगह भी दुखती थी, तो कोई चीज शायद गैप भरने में टाइम लेती होगी है ना।
तो पता नहीं यार, जैसे भी है बड़ी अजीब सी हो जाती है बॉडी, लेकिन मैं फिर भी सारे काम तो करती हूँ, अधिकतर काम खुद ही मेंटेन करती हूँ। और आज मेरी बर्तन क्लीनिंग वाली भी नहीं आएगी, तभी वो मुझे करने हैं, 10:30 बज चुके हैं, तो मैं भी जाऊंगी किचन में इस काम को करूंगी फिनिश, है ना। अच्छा एक बात, अगर जिंदगी में कुछ चीजें आप कर रहे हो है ना, तो उनमें मदद करने के लिए तो कोई नहीं आता, ये तो चलो घर के काम है, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देर सवेर सबके होते रहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी भाग दौड़, बहुत सारी चीजें है ना, क्योंकि जिन लोगों ने भी मेरे खिलाफ ये सब किया, मैंने ये सुना कि कुछ लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, ये करते हैं, मेरे बारे में फोन किया जाते हैं स्पेशली, तो उन फोन करने वालों से कभी ये पूछे कि तुम क्यों नहीं आए थे मेरे पति को किडनी देने या फिर मेरी मदद करने, अभी बोलने के लिए आ रहे हो। तो टाइम पे तो कोई नहीं खड़ा होता किसी के लिए, लेकिन जब चीजें हो जाती है ना, तो उसके बाद बातें बनाने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन पता है, मेरे को लगता है कि कोई भी रिश्ता आपको पता है तभी खराब हो सकता है जब उस रिश्ते में ही फंगस है। अगर देखो मेरे से मेरे हस्बैंड के बारे में या मेरे घर के बारे में कोई कुछ कहे तो वो कह ही नहीं सकता, मैं सुनती नहीं हूँ क्योंकि मैं उसको वहीं पर सही कर देती हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे बारे में सुन रहा है बार बार, तभी तो कोई उससे कुछ आके कह रहा है ना, या तो वो उसको इतनी छूट दे रहा है कि मेरे बारे में कोई बात करे। तो किसी भी रिश्ते में कोई दूसरा दरार डाल ही नहीं सकता अगर वो रिश्ता इतना स्ट्रांग है। लेकिन अगर सामने वाले खुद ही उस चीज को सोच रहे हैं, उनके दिमाग में खुद ही वो बात चल रही है, तो दूसरे तो उस चीज का फायदा उठाएंगे ही ना, उठाएंगे फायदा। तो किसी भी रिश्ते को, और पता है ये चीजें होने से रिश्तों की असलियत सामने आती है, तो वो वाली बात है। अभी कोई आपके किसी भी रिश्ते को, चाहे वो आपके ससुराल में हो, मायके में हो, हस्बैंड वाइफ को, कभी नहीं खराब कर सकता, तीसरा बंदा कभी नहीं खराब कर सकता, अगर बॉन्डिंग आपकी पक्की है, आपको एक दूसरे पर बिलीफ है, या आपको अगर, अच्छा देखो मेरे बारे में अगर कोई कोई कह रहा है कि हाँ ये ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, तो अगर सामने वाला उसको वहीं पर रोक दे कि नहीं वो ठीक है, वो अपनी जगह सही है, तो सामने वाले की हिम्मत ही क्यों होगी, है ना, कि उसने बहुत कुछ किया है। लेकिन अगर उस बात को नहीं कहोगे, आप खुद ही आगे से कहोगे कि नहीं हाँ ये ऐसे ही करती है, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो दूसरे लोगों की तो हिम्मत ही बन जाएगी ना। और इस चीज में मुझे अगर पता चल गया ना कि किसने किया है वो, तो उसका नाम मैं इतनी अच्छी तरह सही कर दूंगी, उसको ठीक कर दूंगी बिल्कुल सही करके, क्योंकि मैं बिल्कुल इतनी मुश्किल से मैंने चीजों को ठीक किया है, मैं किसी को खराब नहीं करने दूंगी, ठीक है। बस यही है फ्रेंड्स, आंसू पूछने कोई नहीं आता आपके, ठीक है, आपके जले पर नमक छिड़कने और आपको दुख देने, दर्द देने सारी दुनिया तैयार खड़ी रहती है। और कुछ अपने होते हैं वो भी उनके साथ मिल जाते हैं, जो नाम के लिए अपने होते हैं, अपने अपने कुछ होते नहीं वो, ठीक है। इस चैनल को नहीं, इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करूंगी, कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय टू फैमिली। और आज मेरा ना, पहले मैंने वर्कआउट किया, आज ज्यादा ही कुछ हो गया वर्क, देखो मेरा चेहरा भी कितना डाउन हो गया, थकान हो गई है खूब ज्यादा, और कल मैं बहुत ज्यादा बिजी रही, कल तो पूरे दिन मेरा बस बिजी गया। तो इतना आसान नहीं होता है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है इंसान को सब चीजों के लिए, लेकिन उसका जब रिजल्ट मिलता है तो अच्छा भी लगता है, ठीक है। चले दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल।